चार्ट गली में देखिए कैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्नो ब्लॉग में। और आज हम करेंगे ऐसे बाजार के बारे में बात जो कि आगरा का फेमस बाजार है और रात को ही स्टॉल्स वगैरह लगती हैं फास्ट फूड की। उसमें दिन में खाली ब्रांडेड शोरूम्स खुले होते हैं और कुछ शॉप्स वगैरह खुली होती हैं शॉपिंग्स के लिए, लेकिन सबसे फेमस है ये रात के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ मिलकर। तो दोस्तों, अभी हम फ्री हुए हैं मूवी देखकर जो कि सबसे घटिया मूवी लगी हमें, सबसे बोरिंग लगी, लेकिन हमारे पास वाउचर पड़े थे तो इसलिए हमने टिकट बुक कर ली और देखने चले गए। लेकिन हमारा सडनली प्लान बना है कि सदर बाज़ार चलते हैं, तो हम वहाँ के लिए निकल चुके हैं और देखते हैं कैसा माहौल रहता है वहाँ का। अभी मेरे को कुछ काम नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ पैक कराना है, तो अभी आगे बताऊँ क्या पैक कराना है। देखिए, रात का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, शांति है, लेकिन ट्रैफिक भी अभी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आगरा की MG रोड है जहाँ ट्रैफिक आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि इस साइड सारे मार्केट हैं। और अभी हमारे संग एक इंसिडेंट हुआ कि हम जा रहे थे ट्रिपलिंग करके, तो यहाँ काफ़ी इंस्पेक्टर हवलदार वगैरह खड़े थे, तो हमने टी पॉइंट से टर्न लेके सीधे निकलने की कोशिश की। तो एक हवलदार ने देख लिया और वो आया भगा भगा हमारे पीछे, तो उसने डंडा मारने की कोशिश की, लेकिन बच गए हम, झुक गए थे, क्योंकि वरना अगर पड़ जाता तो गिरे होते हम, रोड पे ही सपाट होते। तो आप कभी ऐसा ना करिएगा। और ये आ गए हैं हम सदर बाज़ार से थोड़ा ही दूर, और आगे एक जो टी पॉइंट आएगा वहाँ से हमें टर्न लेना, देखिए वो दिख रहा है, क्योंकि वहीं से आपका सदर बाज़ार शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये रात को काफ़ी क्राउडेड एरिया रहता है, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए यहीं से ट्रैफिक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग ये बाज़ार इसलिए फेमस है, एक तो सबसे बड़ी बात है ये मिलिट्री एरिया है, तो यहाँ कोई ज़्यादा हल्ला नहीं होती, कोई शोर वगैरह नहीं, लड़ाई वगैरह नहीं होते। और ये पहुँच गए हम सदर बाज़ार, देखिए यहाँ काफ़ी आपको ब्रांडेड शोरूम मिलेंगे जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और सामने जो गली देख रहे हैं वो फेमस है चाट गली के नाम से, जो कि सदर बाज़ार की फास्ट फूड की सबसे फेमस गली है। और वैसे तो गली आगे भी शॉप्स हैं फास्ट फूड की, लेकिन यहाँ सब स्टॉल्स लगाते हैं, और ये फास्ट फूड के लिए नहीं, काफ़ी और चीज़ों के लिए भी फेमस है, और चीज़ भी दुकान है शॉप्स हैं तो उसके लिए भी फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है चाट गली चाट के लिए और काफ़ी फास्ट फूड्स के लिए। ये छोटी सी गली है, लेकिन इसमें इतनी दुकान है शॉप्स हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आ गई, कैसे फिट कर रखी हैं। चलिए ले चलता हूँ आपको मैं चाट गली में, वहाँ का भी व्यू दिखा देता हूँ। और यहीं से देखिए हमारा दोस्त मस्ती करते हुए जा रहा है। ये आ गए हम चाट गली में, देखिए कैसा क्राउड है, आपको लग रहा है कि ये कोविड का टाइम चल रहा है, नहीं ना, तो मुझे भी नहीं लगा। ये फेमस दुकान निकल के गई थी चाट की, जो कि भीड़ थी, हम खाना चाह रहे थे कुछ। और सबसे एंड में आपको मिलेगा मास्टर शेफ, तो वो फेमस है पिज़्ज़ा के लिए, डोमिनोज का भी पिज़्ज़ा फेल है उसके आगे। और ये हम चल गए हैं वापस बाहर की तरफ चाट गली के, और ये देखिए कैसी शॉप्स लगी हैं, और यहाँ लोग खड़े हैं अपनी शॉप्स पे इनवाइट करने के लिए, आओ हमारे यहाँ से चीज़ें खरीदो। लेकिन जिस यहाँ के लोगों को पता है कि कौन सी फेल शॉप पर कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है, तो वहीं जाते हैं लोग। और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ, फेमस है, रात के 7-6 बजे से खुलता है शाम के, और रात के 3 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद ये चाट गली बंद हो जाती है, फिर खुलती है अगली शाम को। ये देखिए भाई साहब ने हमारे को देख के ही मास्क लगा लिया, उससे पहले नहीं लगाया था, पता नहीं क्या डर बैठ गया हमें देख के। और अब हम निकल चुके हैं एक उस खास जगह के लिए जो कि मैंने बताया था जी, कि जहाँ से मेरे को कुछ पैक कराना है। जी हाँ दोस्तों, वो एक ऐसी जगह है जहाँ को आप देख के शौक जाएंगे, ये ऐसी जगह है, तो चलिए मिलते हैं आपको वहीं रस कैफ़े पे। और ये निकले हम रस कैफ़े की, नाम से फेमस है वो जगह। और ये आ गए हैं हम रस कैफ़े, करते हैं हम इसको पार्क। ये देखिए रस कैफ़े, इसकी फेमस स्पेशलिटी जो है वो ये है कि आपके हैंड टू हैंड सामने ही आइसक्रीम बना के देगा, ये इसको वगैरह से बना दे, तो इसी चीज़ के लिए फेमस है। ये देखिए आपके सामने कैसे बना रहा है, इसने अभी मेरे सामने किट कैट डाली है, उसे क्रश कर रहा है ये, और अभी डाल रहा है मिल्क या क्रीम, मैं नहीं जानता, ये मिल्क ही है, दूध ही है, अब ये क्रश करेगा, मिक्स करेगा। ये देखिए इसका टेम्परेचर जो फ्रीजर का है, पता नहीं क्या
कौन सा मशीन लगा रखा है भैया जो ऐसे टेम्परेचर के साथ ही साथ दूध को जमाता जा रहा है, ये देख लीजिए। हाँ जी दोस्तों, ये फेमस है आइसक्रीम के लिए जो कि आपके सामने ही बनाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रेड में बनी बनाई दे। ये देखिए स्पीड देखिए इस बंदे की जो कि काफ़ी तेज है और काफ़ी प्रैक्टिस है। और इसके अलावा चॉकलेट आइसक्रीम के अलावा भी काफ़ी फ्लेवर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ। मैं तो आ चुका हूँ, पहले तो मैंने टेस्ट करी है, काफ़ी टेस्ट अच्छा है और काफ़ी फेमस है। मैंने शॉप दोस्तों से भी सुना है अपने कि हाँ इसकी आइसक्रीम फेमस है और हैंड टू हैंड बनाता है। ये देखिए कैसे बिल्कुल उसका साफ से काम कर रहा है, सेफ्टी से ग्लव्स वगैरह पहन कर, तो इसलिए कोई हेल्थ इशू भी नहीं है। आप इन्हें करीब आइसक्रीम को बंद हुए देखते हुए और आइएगा भी टेस्ट करिएगा अगर आप कभी आगरा आते हैं तो, बाहर के लोग लेकिन आगरा के लोग भी जाके देखिए इस कैफे में, ये काफ़ी अच्छी आइसक्रीम देता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे दोस्तों यही आइसक्रीम पैक करानी थी, उसके घर से डिमांड आई थी कि तो कुछ लाए ना लाए आइसक्रीम लेके आ जाइए। वो प्राइस भी काफ़ी नॉर्मली है, ज़्यादा हाई नहीं है। और ये बन गई आइसक्रीम, बस ये अभी बन रहा है बॉक्स। हो गई हमारी आइसक्रीम और हम निकलते हैं घर के लिए। तो आज का दिन हमारा इतना बेकार रहा है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ ट्रेजडी हो ही जा रही है। हाँ दोस्तों, यहाँ एमजी रोड पे ऐसे मेडिकल पे एक्सीडेंट हो गया था, तो हम शॉर्टकट से जा रहे हैं जहाँ काफ़ी ट्रैफिक है, तो लेट ही घर पहुँचेंगे, इसलिए अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ करवाएँ।